गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फंडा फाइव। आई एम पूनम गुप्ता और आज हम बात करेंगे सीबीएसई सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है कि सीबीएसई ने अपनी प्रैक्टिकल डेट अनाउंस कर दी है, और आज हम डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड 10th और 12th क्लास के बारे में क्या स्टेप्स लेने जा रही है। नंबर टू, क्या सीबीएसई ने प्रैक्टिकल्स की डेट अनाउंस कर दी है? टीचर्स क्या चाहते हैं कि एग्जाम कब हो? सीबीएसई ने ऑलरेडी 30% सिलेबस डिलीट कर दिया है, क्या सिलेबस डिलीट होने के और चांसेस हैं? पेपर का पैटर्न यही रहेगा या बदलेगा? ऐसी बहुत सी बातें बच्चों के दिमाग में चल रही हैं। बच्चों को लग रहा है कि पेपर नहीं होंगे, तो प्यारे बच्चों आज हम एक न्यूज़ दिखाएंगे आपको जिससे आपको लगेगा पता कि पेपर जरूर होंगे। तो इसलिए अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो जल्दी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी भी आपके पास सफिशेंट टाइम है। आज ही से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो भी आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। हम MCQs के वीडियोस बना रहे हैं, आपको सेंड कर रहे हैं, तो वहां से आप देख करके नए पैटर्न पर MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन वीडियो भी मैं बना रही हूँ, वो भी आप पढ़ करके चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप MCQs के आंसर दे सकेंगे। क्योंकि जो सैंपल पेपर आपका आया है उसको देखने से बहुत पता लगता है कि जो पेपर्स के जो MCQs में आंसर दिए हैं वो बहुत ही क्लोज है। तब तक आप नहीं छाट सकते, तब तक आप आंसर नहीं लिख सकते जब तक आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड नहीं करें। तो आज ही से ये काम शुरू कर दीजिए, लाइन बाय लाइन रीडिंग लाउडली जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक रीडिंग करिए, दो रीडिंग करिए, तीन रीडिंग करिए, दिन में 1 से 2 घंटा फिक्स कर लीजिए कि आपको इस समय चैप्टर को रीड करना है। उसको रटे नहीं, पढ़ें और समझें। जब आप उसको 3-4 बार पढ़ेंगे तो वो चैप्टर अपने आप ही लर्न हो जाएगा। जो हम यहाँ देखते हैं कि मुंबई लाइव पर ये न्यूज़ छपी है, ये न्यूज़ आ रही है नेट पर, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10th 12th टू बी कंडक्टेड इन जनवरी फरवरी 2021। तो इसको देख के लगता है कि जनवरी फरवरी में ही एग्जाम होंगे, तो आपको पढ़ना शुरू कर देना है। इसको पढ़कर लग रहा है कि सीबीएसई ही जल्दी ही कभी भी अपनी डेट शीट दे सकता है। ठीक है, तो क्लियरिंग द एयर इन रिगार्ड्स टू द शेड्यूल ऑफ क्लास 10th एंड 12th एग्जाम, द बोर्ड सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी ऑन संडे शेयर्ड दैट द प्रैक्टिकल एग्जाम्स विल बी हेल्ड बिटवीन जनवरी 1 टू फरवरी 8 2021। ये भी उन्होंने बताया कि जो एग्जैक्ट डेट है एग्जाम की वो जल्दी ही सबको बता दी जाएगी। Earlier on November 20, while speaking during a webinar on new education policy, Tripathi had asserted that CBSE is making plans and will soon reveal how it will do test assessment, and also later confirmed that there is no escaping board exams. कि ऐसा कोई चांस नहीं है कि बोर्ड एग्जाम को हम ना लें, बोर्ड एग्जाम जरूर होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा क्लियर कि सीबीएसई ने अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दी है, और ये भी बताया गया कि दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम दोनों होंगे, और एक ऑब्जर्वर अपॉइंट किया जाएगा जो पूरे प्रैक्टिकल को सुपरवाइज करेगा। ओके बेटा, तो यहाँ से ये बात बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो गई इस न्यूज़ में, और भी न्यूज़ में एक दो में आया है कि पेपर तो होंगे, सीबीएसई प्लान कर रही है। तो 10th और 12th के बच्चों को सीरियस होने की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है, सोच रहे हैं डेट शीट आएगी पढ़ लेंगे, अभी तो एग्ज़ाम बाद में होगा तो पढ़ना शुरू कर दें। हालांकि मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि जो हमारे टीचर्स हैं, हम लोग जो हैं वो यही चाहते हैं कि जल्दी से स्कूल खुले और कम से कम 2 महीने बच्चे स्कूल में आए और वो अच्छे से सिलेबस के बारे में जाने और पढ़ाई करें। तो सीबीएसई इतना टाइम दे दे, यानी कि पेपर्स को थोड़ा डिले कर दे, मार्च के बजाय अप्रैल मई में कर दे, लेकिन अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ। तीसरा क्वेश्चन जो बार बार उठ रहा है कि क्या सीबीएसई अपना सिलेबस और रिड्यूस करेगा या नहीं, तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल भी पता नहीं है। जहाँ तक चांसेस हैं, अगर ऐसा ही रहा तो सिलेबस 10 से 20% और रिड्यूस हो सकता है, लेकिन कोई चांसेस नहीं है। आपके पास जो सिलेबस अभी है, ऑलरेडी 30% रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग आप अच्छी प्रैक्टिस करिए, और अगर रिड्यूस हो गया तो आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि आप कम सिलेबस में अच्छे नंबर ला पाएंगे। और पेपर पैटर्न की बात यह है कि 50% MCQs कर दिए हैं, पूरे चांसेस हैं कि 10 to 20%
एमसीक्यूज बढ़ा दिए जाएं, लेकिन ऐसी भी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। एमसीक्यूज जहां देखने में हमें आसान लगते हैं, वहां वो लाइन बाय लाइन स्टडी चाहते हैं, लाइन बाय लाइन रीडिंग चाहते हैं। तो एमसीक्यूज में नंबर पास होना आसान है, लेकिन फुल नंबर स्कोर करना तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे से थॉरो स्टडी करें। तो बच्चों, कुछ भी है आपके लिए सब तरह से फ़ायदा ही है, तो बस आप अपना काम करिए। और आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है, पूरे चैप्टर की रीडिंग लगानी है, टाइम स्लॉट डिसाइड कर लीजिए सब्जेक्ट वाइज। मैं भी टाइम टेबल बना रही हूँ, जल्दी से आपको सेंड करूंगी टाइम टेबल की वीडियो कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम दें। ठीक है, तो बच्चों अभी तक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी भी कोई डाउट बाकी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे भी क्लियर करेंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।